तो कौशी की परिभाषा हमने जो कल की थी उसके अनुसार कोई भी बिंदु x बराबर a पर फलन एफ एक्स जो है वो सतत फलन कहलाएगा, कौशी की परिभाषा कर रहे हैं हम, यदि x माइनस a का मान स्मॉलर देन डेल्टा के लिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मान स्मॉलर देन एप्सिलॉन हो। इसी में हैनी की परिभाषा थी, हैनी की परिभाषा के अनुसार एक कोई भी अनुक्रम ए एन अगर ए की ओर अग्रसर हो उसके सापेक्ष अगर एफ ऑफ ए एन का मान जो है वो भी एफ ऑफ ए के ओर अग्रसर होता है, अर्थात एक अनुक्रम अगर किसी निश्चित मान की ओर अग्रसर होता हो तो उन मानों पर फलन के मान जो प्राप्त हो रहे हैं वो भी एक निश्चित मान एफ ऑफ ए की ओर अग्रसर होते हैं, तो वह अनुक्रम या वह फलन जो है वो उस बिंदु जिस पर हमारे पास सारा अनुक्रम अग्रसित है सतत कहलाता है। इसको हम इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं कि ए एन माइनस ए का मापांक अगर स्मॉलर देन है डेल्टा से तो उस स्थिति में अगर एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ ए का मान भी हमारे पास स्मॉलर देन हो एप्सिलॉन से, फॉर ऑल ए एन बिलोंग्स टू अनुक्रम ए एन एंड एफ ऑफ ए एन जो है वो बिलोंग करता है हमारे पास अनुक्रम एफ ऑफ ए एन से, तो उस स्थिति में दिया गया जो अनुक्रम है या जो दिया गया फलन है वो एक्स बराबर ए पर सतत कहलाता है। तो हैनी और कौशी ने तो जो परिभाषा दी थी वो स्पेसिफिक हमारे पास किसी बिंदु पर फलन के लिए परिभाषित किया था, लेकिन हैनी ने उसे अनुक्रम में बदल दिया था कि एक निश्चित अनुक्रम के अंदर हमारे पास अगर अवयव विद्यमान है तो उस स्थिति में भी वो फलन सतत कहलाता है। इसी की तुलना कर रहे हैं कि अगर कोशिश है वो हमारे पास सतत है तो हैनी से भी सतत होगा, और अगर हैनी से सतत है तो कोशिश से भी सतत होगा। सबसे पहले हम हैनी की परिभाषा ले लेते हैं। इसमें माना एक फलन अनुक्रम ए एन के ए की ओर अभिसरित होने पर एफ ओ ए एन एफ ऑफ ए को अभिसरित होता है। हम ये मान के चलते हैं कि ए एन है, अनुक्रम ए एन है, वो ए की ओर अभिसरित होता है, तो उस स्थिति में एफ ऑफ ए एन जो है वो एफ ऑफ ए की ओर अभिसरित हो रहा है। हम ये लेट करके चल रहे हैं, अर्थात हमारे पास ए एन माइनस ए का मान डेल्टा से स्मॉलर होने पर एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ ए का मान जो है वो एप्सिलॉन से स्मॉलर है, या ये कह सकते हैं कि एक्स बराबर ए पर फलन जो है वो हैनी की परिभाषा से सतत है। हमें सिद्ध करना है कि कौशी की परिभाषा से भी सतत होगा। अब यदि एक्स जो है वो हम मान लें कि एक अनुक्रम ए एन का कोई एलिमेंट है जिससे कि एक्स बराबर ए एन से व्यक्त करते हैं, तो उस स्थिति में ये परिभाषा परिवर्तित हो जाती है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए स्मॉलर देन एप्सिलॉन में, जो कि कौशी की परिभाषा है, अतः यदि फलन हैनी की परिभाषा से सतत है तो कौशी की परिभाषा से भी सतत होगा। विलोम करेंगे इसका, पहले ये नोट कर लीजिए। अब की बार हम लेके चल रहे हैं कि माना दिया गया फलन x बराबर a पर कौशी परिभाषा से सतत है।
विलोम कर रहे हैं इसका, और हमें यह दिया हुआ है कि एक अनुक्रम ए एन जो है वो ए की ओर अग्रसर होता है। हमें कोशी की परिभाषा से इसको सिद्ध करना है, हैनी की परिभाषा से, कोशी की परिभाषा हमें दी हुई है, हैनी की परिभाषा से सतत सिद्ध करना है। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए, x माइनस ए स्मॉलर देन डेल्टा के लिए हमें यह गिवन है कि मापांक एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का जो मान है वो एप्सिलॉन से स्मॉलर है, लेकिन अनुक्रम ए एन अगर ए की ओर टेंड्स करता है तो यह भी हमें गिवन है कि ए एन माइनस ए की जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन है डेल्टा से, और हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ ए भी हमारे पास एप्सिलॉन से स्मॉलर होगा। अगर इन दोनों को कंपेयर करें हम, एक्स माइनस ए भी डेल्टा से स्मॉलर है और ए एन माइनस ए भी डेल्टा से स्मॉलर है, इसका मतलब जो एक्स है वो एक ए एन का अनुक्रम में से कोई अवयव होगा, तभी यह संभव हो सकता है, क्योंकि दो निश्चित मान हमारे पास डेल्टा से स्मॉलर तभी आ सकते हैं जब या तो वो दोनों मान बराबर हो या उस अंतराल में विद्यमान हो। अगर इस अंतराल में विद्यमान है, क्योंकि यहां से भी हम इस कंडीशन से हम ये लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बिटवीन, और इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं कि ए एन जो है वो बिलोंग करता है ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बिटवीन, यानी एक्स और ए एन दोनों एक ही इंटरवल से बिलोंग करते हैं। अगर एक ही इंटरवल से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब एक्स जो है वो ऑलमोस्ट ए एन के इक्वल माना जा सकता है। अगर एक्स को ए एन के इक्वल मान के चलते हैं तो जो एफ ओफ ए एन माइनस एफ ओफ ए की वैल्यू थी वो भी हमारे पास स्मॉलर देन होगी, किससे? एप्सिलॉन से। ए एन माइनस ए स्मॉलर देन एफ डेल्टा गिवन था, हमने ये प्रूफ किया है कि एफ ओफ ए एन माइनस एफ ओफ ए जो है वो भी स्मॉलर देन एप्सिलॉन से, अतः हैनी की परिभाषा से फलन सतत है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि अगर कोशी की परिभाषा से कोई भी फलन सतत है तो हैनी से भी सतत होगा, हैनी से सतत है तो कोशी की परिभाषा से भी सतत होगा, अर्थात दोनों परिभाषाएं एक दूसरे के तुल्य हैं, बराबर हैं, अलग अलग नहीं है। तो सबसे पहले असतत फलन, एक ऐसा फलन जो किसी बिंदु पर दिए गए अंतराल में किसी बिंदु पर सतत नहीं हो, असतत फलन कहलाता है। इसमें हमारे पास विशेष प्रकार की असांतत्यता है, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने असांतत्यता या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में अगर LHL और RHL तो बराबर आए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर हो, लेकिन एफ ऑफ ए इक्वल ना आए, तो इसे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। रिमूवेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर एफ ऑफ ए का मान जो LHL RHL का मान आ रहा है उसके इक्वल ले लेंगे तो इस डिसकंटिन्यूटी को हटाया जा सकता है, हम इसको सॉल्व किए कर सकते हैं। तो अगर कोई भी फंक्शन ऐसा हो जिसमें LHL RHL तो इक्वल आए, LHL का मतलब एफ ऑफ ए माइनस जीरो से भी लिखते हैं, RHL एफ ऑफ ए प्लस जीरो से भी लिखते हैं, और एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं हो तो उसे हम अपने असांतत्यता कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में एक फंक्शन ले लें हम कुछ इस फॉर्म में कि 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 प्लस 0 का मान निकालेंगे तो भी 1 आएगा, एफ ऑफ 0 माइनस 0 का मान निकालेंगे तो भी 1 आएगा, लेकिन एफ ऑफ 0 का मान निकालेंगे तो 0 आ रहा है। ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी आती है आपको, उसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा, इसलिए इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए। प्रथम प्रकार की असंतत्यता और साधारण असंतत्यता डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड
और ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी इसके अंदर हमारे पास देखिए अगर LHL और RHL इक्वल ना आए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं हो, अर्थात एफ ऑफ ए माइनस जीरो और एफ ऑफ ए प्लस जीरो जो है वो इक्वल नहीं है, तो उस प्रकार की जो असातत्यता होगी उसे हम प्रथम प्रकार की असातत्यता या साधारण असातत्यता कहते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं होंगे। तीसरा आएगा हमारे पास द्वितीय प्रकार की असातत्यता। सिंपल परिभाषाएं हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इसमें लिखवाने की मेरे को लगता नहीं कि कोई जरूरत होगी, हमें इतना याद रखना है कि प्रथम प्रकार की असातत्यता होती क्या है। तीसरा इसमें पार्ट आता है द्वितीय प्रकार की असातत्यता, और द्वितीय प्रकार की असातत्यता में हमारे पास है कि या तो LHL विद्यमान न हो या RHL विद्यमान न हो, दोनों में से कोई एक विद्यमान ही ना हो, द्वितीय प्रकार की असातत्यता, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी अगर हमारे पास LHL या RHL में से कोई एक विद्यमान न हो, अब विद्यमान नहीं होने का मतलब क्या है, एक निश्चित मान ग्रहण नहीं करता है, एक अंतराल आता है माइनस एक से प्लस एक आ जाए या एक से दो आ जाए, कोई एक फिक्स इंटरवल आ रहा है लेकिन एक निश्चित मान को प्राप्त नहीं करता है, तो हम उस स्थिति में कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसे सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये आ जाए एफ एक्स गिवन हो साइन वन अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो वेन एक्स इक्वल्स टू जीरो, आप जब LHL निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास हमारे पास लिमिट h टेंस टू जीरो पर साइन ऑफ वन अपॉन माइनस h, जब सॉल्व करोगे तो माइनस एक से प्लस एक के बीच में कोई भी मान आएगा क्योंकि साइन अनंत बनेगा और साइन अनंत का मान माइनस एक से प्लस एक अंतराल आएगा, इसका मतलब LHL विद्यमान नहीं है, इसमें LHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एक फिक्स वैल्यू नहीं आ रही। अगर एक फिक्स वैल्यू नहीं आती है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस स्थिति में ये सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। हो सकता है LHL ना हो सकता है RHL ना हो सकता है दोनों ही कंडीशन ना हो, LHL भी ना एग्जिस्ट कर रहा हो और RHL भी ना एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उसे सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो मिश्र असातत्यता या मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं हम इसमें। अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन x इज इक्वल टू a पर फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड दोनों प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को शो करता है, डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड का मतलब LHL और RHL इक्वल नहीं है, और सेकंड काइंड का मतलब है LHL और RHL डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारे पास अगर दो कंडीशंस बनती हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल भी नहीं है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड जो राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं उनमें से कोई एग्जिस्ट भी नहीं करती है, तो उस कंडीशन में उसे हम जो मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी है, मिश्र असातत्यता है, उसमें शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए हम ये उदाहरण ले सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो और कॉस वन अपॉन एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे
तो लिमिट h टेंस टू जीरो पर f ऑफ जीरो माइनस h लिखा जाएगा। जीरो माइनस h पहली कंडीशन में आएगा और पहली कंडीशन में माइनस h का स्क्वेयर करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। RHL निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h लिखेंगे। जीरो प्लस h का मतलब RHL जो कंडीशन बनेगी हमारे पास वो लिमिट h टेंस टू जीरो cos ऑफ वन अपॉन h बन जाएगा और cos ऑफ वन अपॉन h के अकॉर्डिंग ये वैल्यू cos ऑफ अनंत आएगी। cos ऑफ अनंत का मतलब माइनस एक से प्लस एक के बीच में। ना तो LHL और RHL बराबर हैं और न ही इसके अंदर हमारे पास ये RHL जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसे हम मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। वहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन थी उसमें LHL का भी मान माइनस एक से प्लस एक आ रहा था और RHL का मान भी माइनस एक से प्लस एक आएगा, दोनों बराबर होंगे, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है वो। उसमें हमें ये देखना है कि हमारे पास LHL RHL में से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमारे पास सेकंड काइंड की होगी। लेकिन अगर LHL और RHL बराबर भी ना हो और एग्जिस्ट भी नहीं करता हो तो मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। वहां पे हम ये नहीं चेक कर रहे कि LHL RHL बराबर हैं या नहीं है, यहां पे हम जांच कर रहे हैं इसकी। और एक लास्ट टॉपिक बचता है इसमें जो है अनंत असांतत्यता। फिफ्थ काइंड है इसका, अनंत असांतत्यता, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। मतलब यह है कि LHL या RHL में से कोई भी एक प्लस अनंत या माइनस अनंत आ जाए तो उसे अनंत प्रकार की असंतत्यता कहते हैं। इनफाइनाइट आ जाए वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रही हो, या तो प्लस अनंत आ रहा हो या माइनस अनंत प्राप्त हो रहा हो, चाहे LHL आ जाए चाहे RHL आ जाए, दोनों में से कोई एक आ जाए या दोनों आ जाएं, तो उसे हम अनंत प्रकार की असंतत्यता कहते हैं। ये पांच टॉपिक हैं हमारे पास जिस पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज रहेगी, जिसमें हमें ये जांच करनी होगी इसमें किस प्रकार की असंतत्यता है। और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें बन जाता है मोस्टली, कि एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक फलन दे दिया जाता है, उसमें किस प्रकार की असंतत्यता है परिभाषित कीजिए। उसके साथ में कई बार एक डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि मिश्रित असंतत्यता को परिभाषित कीजिए, और एक फलन देके कि निम्न फलन किस प्रकार की असंतत्यता को परिभाषित करता है लिखिए। उसमें अथवा में हमारे पास अगर बनता है क्वेश्चन तो पहले चैप्टर का एक क्वेश्चन बनेगा जिसमें हमारे पास लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वो चाहे एप्सिलॉन डेल्टा से उसको प्रूव करना दे दिया जाए और चाहे उसमें हमारे पास सीधा ये पूछ लिया जाए कि जांच कीजिए कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। 4 नंबर का क्वेश्चन उसमें से बनना है, दोनों में से मिक्स होना है। 12 नंबर का जो क्वेश्चन बनना है उसमें थ्योरम्स आनी है, थ्योरम्स हमने अभी तक की नहीं है, आगे करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आगे स्टार्ट होने वाली है जिसमें मोस्ट टेस्ट थ्योरम है और भी कई थ्योरम्स हैं उसमें जो नेम से हैं, बाई नेम आने वाली थ्योरम्स हैं सारी की सारी। इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट और सेकंड, और इस फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से हमें टोटल 18 मार्क्स का पेपर मिलना है, जिसमें से एक 4 मार्क्स का हमने कंप्लीट कर लिया है जो फर्स्ट चैप्टर है उससे। 12 मार्क्स के अंदर 6 मार्क्स के 2 थ्योरम्स या तो फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर से मिक्स कर सकता है और या फिर अकेले सेकंड चैप्टर से 2 थ्योरम्स दे सकता है, वो 12 मार्क्स की 2 थ्योरम्स ही आएंगी, कन्फर्म है। अब 2 थ्योरम्स में नेम से हैं इसमें थ्योरम्स, मोस्ट टेस्ट थ्योरम है या फिर इंटरवल थ्योरम है हमारे पास, अंतराल निर्धारित अंतराल थ्योरम है, वो उनमें से कोई भी थ्योरम आ सकती है।